to the Brihanmumbai Mahanagarpalika Education Department MCGM virtual class. Let us start our lesson by this presentation. से ऑनलाइन वर्चुअल क्लास के लिए पेश किया जा रहा है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जमात चारों। हमारा मजमून है माहौल का मुताला एक EVS 1 और हमारा आज का सबक है सबक नंबर एक हैवानात का दौरे हयात द लाइफ साइकिल ऑफ एनिमल्स। और मैं हूं आपकी वीटी सिंह ऑनलिमा तबस्सुम रियाज खान। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सबक की जिसका नाम है हैवानात का दौरे हयात द लाइफ साइकिल ऑफ एनिमल्स। सबक नंबर एक हैवानात का दौरे हयात। बच्चों आप लोग बखूबी जानते हैं कि जानदार यानी लिविंग थिंग्स दो टाइप्स की होती है। सबसे पहले एक शुमार होता है जिसमें हैवानात का, और हैवानात में शुमार होता है ह्यूमन बींग्स इंसानों का, एनिमल्स का, बर्ड्स का और इंसेक्ट्स यानी कीड़ों मकोड़ों का। इन तमाम को हम काउंट करते हैं, शुमार करते हैं हैवानात के कॉलम में। जानदारों की दूसरी किस्म होती है नबातात। नबातात में शामिल है हमारे पेड़ पौधे, हमारे एतराफ में जितने प्लांट्स ट्रीज हैं उनका सबका शुमार नबातात में किया जाता है। तो जानदारों को दो गिरोह में तकसीम किया गया है, हैवानात और एक नबातात। तो आज हम इनमें से हैवानात यानी जानदार जानवरों के दौरे हयात या उनकी ग्रोथ के मुताले जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हैवानात के दौरे हयात में जैसे कि अभी हमने देखे कि जानदारों के दो गुरु होते हैं हैवानात नबातात, जिसमें से आज हम हैवानात के मुतालिक जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं हैवानात की नशोनुमा ग्रोथ ऑफ एनिमल्स कैसे होती है। तो स्टूडेंट्स आपने अपने आसपास में बहुत से जानवर और उनके बच्चों को देखा होगा, जैसे डॉग उनके पपीज को देखा होगा, कैट उनके किटन्स को देखा होगा, गाय और गाय के बच्चे को देखा होगा, इंसानों के बच्चे होते हैं और बकरी और उसके मेमने को देखा होगा। तो बच्चों आप ये बखौर देखिए कि इन जानवरों में और उनके बच्चों में यकसानियत होती है, इनमें सिमिलैरिटी होती है। जानवर जैसे होते हैं वैसे ही उनके बच्चे होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये बच्चे माँ के पेट में ही नशोनुमा पाते हैं। इनकी ग्रोथ जो है माँ के पेट में होती है और माँ के पेट से ही इनकी पैदाइश होती है। ये जानवर माँ के पेट से पैदा होते हैं, ये जानवर अंडे नहीं देते। ये जो हैवानात है जैसे हमने यहाँ पे बताया आपको, कुत्ता है, बिल्ली है, गाय है, बकरी है, इसके अलावा इंसान भी है, तो इनकी पैदाइश माँ के पेट से होती है और ये माँ के पेट में ही नशोनुमा पाते, इनकी ग्रोथ होती है और ये हैवानात अंडे नहीं देते। लेकिन आपने देखा होगा कि हमारे सराउंडिंग में कुछ ऐसे हैवानात या एनिमल्स भी होते हैं जिनके बच्चे उनके अंडों में से निकलते हैं। तो चलिए उन हैवानात के बारे में भी थोड़ी सी मालूमात हासिल कर लेते हैं। जी हाँ बच्चों, आपने आपके आसपास देखा होगा कि कौवा, मछलियां, मेंढक, तितलियां, सांप और मुर्गी, ये ऐसे कुछ हैवानात हैं जो अंडे देते हैं। इनके अंडों से इनके बच्चे निकलते हैं और उनके बच्चों की ग्रोथ और नशोनुमा होती है, और इनके अंडों में ही उनके बच्चों की नशोनुमा और ग्रोथ होती है और फिर वो अंडे तोड़कर बाहर निकलते हैं। तो हमने देखा कि इंसान की हैवानात की पैदाइश दो तरह से होती है, एक माँ के पेट से और दूसरे हैवानात की पैदाइश होती है अंडों से। तो ये कुछ हैवानात की तस्वीर है जिनके बच्चों की पैदाइश अंडों से होती है और ये हैवानात अंडे देते हैं। चलिए आगे देखते हैं। हमने अभी आपको बताए कि कुछ हैवानात अंडे देते हैं
और उनके अंडों में से उनके बच्चों की पैदाइश होती है। तो आज हम देखेंगे कि अंडों से बच्चों की पैदाइश किस तरह होती है और अंडों में बच्चों की ग्रोथ किस तरह होती है। मुर्गी के अंडे तो आप सभी ने बगौर देखे होंगे। मुर्गी के अंडे इतने बड़े होते हैं कि हमें आसानी से नजर आ जाते हैं। मुर्गी अंडे देती है और उन अंडों को तोड़कर उनके चूजे बाहर निकलते हैं। मुर्गी के चूजे बाहर आते हैं दुनिया में, ठीक है। तो मुर्गी अंडे देती है और अंडों को तोड़ के चूजे बाहर निकलते हैं। लेकिन बच्चों, इस अंडे के अंदर चूजों की नशोनुमा या ग्रोथ कंप्लीट होने के लिए चूजों को हरारत यानी गर्मी की जरूरत होती है, और अंडों के अंदर चूजों को वो गर्मी देने के लिए मुर्गी चूजों अंडों पर बैठती है। तो मुर्गी के जो अंडों पर बैठना है वो कहलाता है अंडे सीना। अंडे सीना का मतलब है अंडों को हरारत देने के लिए मुर्गी का अंडों पर बैठे रहना अंडे सीना कहलाता है, जिसे हम कहते हैं हैचिंग। तो मुर्गी के अंडों को हरारत देने के लिए मुर्गी अंडों पर बैठती है और हरारत देती है, गर्मी देती है, जिसे अंडे सीना कहते हैं। मुर्गी की हरारत और गर्मी पाकर अंडे के अंदर चूजे की नशोनुमा होती है, वो कंप्लीट होती है, और तब अंडा तोड़ के चूजा बाहर निकलता है। यहाँ पर हम आपको एक बात बताते चले कि जिस वक्त मुर्गी अंडों पर बैठती है अंडे सीने के लिए, उस वक्त मुर्गी बड़ी अग्रेसिव हो जाती है, यानी जारहाना रवैया अख्तियार करती है। उस वक्त अगर मुर्गी के अंडों को किसी ने भी हाथ लगाया तो वो फौरन उसे मारने के लिए दौड़ती है। तो हमने आपको जो अभी बताए कि मुर्गी, सांप, ये जो थोड़े बहुत हमने हैवानात बताए जिनके बच्चों की पैदाइश अंडों से होती है, तो उनकी पैदाइश इसी तरीके से होती है। तो अंडों से पैदा होने वाले बच्चे और जो बच्चे माँ के पेट से पैदा होते हैं उनमें यकसानियत होती है, ये बिल्कुल अपनी माँ के जैसे ही होते हैं। लेकिन ऐसे एक हैवान के बारे में अब हम आपको बताएंगे जिसके बच्चों की नशोनुमा का तरीका बिल्कुल अलग है। तो चलिए जानते हैं। तो अब हम देखेंगे तितलियों में कायापलट, मेटामॉर्फोसिस इन अ बटरफ्लाई। अब ये कायापलट क्या है? बच्चे और पूरी तरह नशोनुमा पाए जाने वाले हैवान में नुमाया फर्क का होना कायापलट कहलाता है। जैसे हमने आपको बताया कि हैवानात में कुछ हैवानात की पैदाइश माँ के पेट से होती है और कुछ हैवानात की पैदाइश अंडों में से होती है, लेकिन पैदाइश के बाद में उनमें और उनकी माँ में बिल्कुल यकसानियत होती है। लेकिन तितली के नशोनुमा का मरहला, तितली की नशोनुमा बिल्कुल अलग तरीके से होती है। उसके अंडों से लेके पूरी तितली तैयार होने तक के जो मरहले होते हैं उनमें काफी फर्क होता है। इसे ही कहते हैं काया पलट होना। तो अब हम आपको बताते हैं कि तितली की नशोनुमा किस तरीके से होती है। तितली की नशोनुमा के चार मरहले होते हैं। तितलियों की नशोनुमा के चार, उनकी ग्रोथ के चार स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप है अंडा। चितरंगी तितली रुई के पत्तों पर अंडा देती है, ठीक है, और अंडों से 6 से 8 दिन में जो बाहर निकलते हैं वो है सेकेंड स्टेप लार्वा, या जिसे हम कैटरपिलर भी कहते हैं, इसे हम सुंडी भी कहते हैं। अंडों में से 6 से 8 दिन में लार्वा या सुंडी बाहर निकलती है, ठीक है। सुंडी जिस पत्ते पर अंडे में से बाहर निकलती है वो उसी पत्ते को तेजी से खाना शुरू कर देती है, और इसके खाने की रफ्तार बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए सुंडी की नशोनुमा ग्रोथ भी बहुत तेजी से होती है। स्टार्टिंग के 2 से 2.5 दिन तक
तितली की सुंडी इतनी खा खा कर बढ़ जाती है कि उसके जो एतराफ में उसके जो खौल होता है, जो कवर होता है, वो उसके लिए ना काफी होता है। और वो क्या करती है, अपने उस कवर को अपने जिस्म से निकाल देती है। उस कवर को कहा जाता है कैंचली, और जब वो कवर को निकालती है उसे कहा जाता है कैचली उतारना। कैचली उतारने के बाद में वो दोबारा खाना शुरू कर देती है, और फिर दोबारा इतनी तेजी से बढ़ती है कि दोबारा वो अपनी कैचली उतार देती है। इस तरह सुंडी 4 मरतबा अपनी कैचली उतारती है और तीसरे मरहले में दाखिल होती है, जो कहलाता है प्योपा या खौल। इस मरहले में तितली क्या करती है कि सुंडी जो चौथी बार कैचली उतारती है, वो अपने आप को एक किसी तने की गांठ से जो है वो लटका लेती है, और अपने ऊपर रेशम जैसे धागे का गुच्छा बनाती है, और उसके अंदर अपने आप को छुपा लेती है, कवर कर लेती है। सुंडी या लार्वा क्या करता है थर्ड स्टेप में, रेशम जैसे धागे के खोल में कवर कर लेता है अपने आप को, जो थर्ड स्टेप कहलाता है प्योपा, खोल, या जिसे हम क्राइसेलिस भी कहते हैं। और इसी कवर के अंदर, क्राइसेलिस के अंदर सुंडी की नशोनुमा होती है। इस स्टेप में वो कुछ भी नहीं खाती और तकरीबन 11-12 दिन तक वो इसी हालत में, प्योपा की हालत में रहती है। लेकिन उसके जिस्म के अंदर इस दौरान काफी चेंजेस होते हैं, और जब उस प्योपा में उसकी ग्रोथ मुकम्मल हो जाती है, तब उस प्योपा से, क्राइसेलिस से जो बाहर निकलती है वो कहलाती है बालिग तितली, जो कि तितली की नशोनुमा का चौथा स्टेप है। और जब जो तितली बाहर आती है उसके 4 खूबसूरत पर और 6 लंबे पैर होते हैं। तो देखा बच्चों आपने कि तितली की नशोनुमा के 4 मरहले कौन से हैं। सबसे पहला है अंडा, तितली रुई के पत्तों पर अंडे देती है। उसके बाद दूसरा स्टेप है लार्वा, तितली के अंडे से लार्वा या कैटरपिलर सुंडी बाहर निकलती है। उसके बाद थर्ड स्टेप है प्योपा यानी खोल, क्राइसेलिस, जिसमें तो सुंडी है वो अपने आप को रेशम के धागे जैसे में कवर कर लेती है, जिसमें वो 11-12 दिन तक रहती है। और जो फोर्थ स्टेप है वो है बालिग तितली, कि जब उस क्राइसेलिस में बटरफ्लाई की जो सुंडी की नशोनुमा ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है, तो वो उसे तोड़कर बाहर निकलती है और वो होती है बालिग तितली, जो बहुत खूबसूरत होती है, जिसके 4 पर और 6 लंबे पैर होते हैं। तो ये है तितली के नशोनुमा के 4 स्टेप। नंबर 1 अंडा, नंबर 2 लार्वा कैटरपिलर, नंबर 3 प्योपा क्राइसेलिस, और नंबर 4 है बालिग तितली। ओके, तो ये हमने देखा अभी कि बटरफ्लाई लाइफ साइकिल यानी तितली की ग्रोथ के 4 मरहले हैं। नंबर 1 एग यानी अंडा, नंबर 2 कैटरपिलर यानी लार्वा, नंबर 3 है प्यूपा जिसे हम क्राइसेलिस भी कहते हैं, और नंबर 4 है बटरफ्लाई जो आखिर में बनकर तैयार हो जाती है। तो इस बात को याद रखिए कि बटरफ्लाई के लाइफ साइकिल के 4 स्टेप्स कौन कौन से हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बच्चों क्या आप जानते हैं कि आपने आपके आसपास घरों में देखा होगा कि आपकी अम्मी घर में अनाज भर के बोरियों में रखती है ना। बोरियों में चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरी, कई तरह के अनाज भर के रखे जाते हैं, डब्बों में रखे जाते हैं। और बनिया जो किराने की दुकान होती है उसमें भी जो है दुकानदार अनाज को भर के रखते हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद में अगर उस अनाज को ज्यादा दिन रखा जाए तो उस अनाज में कीड़े नजर आने लगते हैं। तो बच्चों ये जो अभी हमने आपको जो अभी मरहले बताए कि डब्बों में इन कीड़ों की नशोनुमा होती रहती है, उनके भी अंडे
लार्वे, प्यूपा और बालिग ऐसे मरहलों से गुजरते हैं। तो जब हम डब्बा खोलते हैं या जब हम बोरी खोलते हैं अनाज की, तो अनाज में कीड़े नशोनुमा के जिस मरहले में होते हैं वही हमें मरहला नजर आता है। वो कौन से मरहले में? या तो हम थोड़ा जल्दी खोलते हैं तो हमें अंडे भी नजर आ सकते हैं, या लार्वा, या जो है बालिग कीड़ा। तो ये अंडे की जो है बोरियों में जो हमें नजर आते हैं वो इन जो है कीड़ों के अंडों की नशोनुमा के मरहले के मुताबिक हमें नजर आते हैं। उम्मीद है बच्चों आपको सबक बहुत अच्छी तरीके से समझ गया होगा। चलिए फिर अभी हम एक बार इसका छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। हमने क्या सीखा? सबसे पहले हमने स्टार्टिंग में सीखा था कि मुर्गी के अंडों में चूजों की नशोनुमा के लिए उसे हरारत की जरूरत होती है, इसीलिए मुर्गी अंडों पर बैठती है, जिसे अंडे सीना या हैचिंग कहते हैं। और अंडे सीने का अमल पूरा होने के बाद में चूजे जो है अंडों से बाहर आते हैं। जब उनकी ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है, जब वो अंडों से बाहर आते हैं, और फिर बाद में हमने देखा कि हैवानात और जो है दो तरह से बच्चों की पैदाइश होती है हैवानात में, एक माँ के पेट से और एक अंडों से। उसके बाद हमने देखा कि तितली के ग्रोथ के चार मरहले होते हैं, अंडा, लार्वा, प्यूपा और बालिग। अंडा, अंडे में से निकलता है लार्वा, जिसे हम कैटरपिलर या सुंडी कहते हैं। उसके बाद वो अपने आप को जो है एक रेशम के धागे के खोल में लपेट लेता है, जिसे हम तीसरा मरहला प्यूपा कहते हैं, जिसमें तितली के लार्वे की नशोनुमा होती है। और उसके बाद में जो निकलती है बाहर प्यूपा से, वो होती है हमारी बालिग खूबसूरत सी तितली। आपने अपने आसपास बहुत सारी रंग बिरंगी तितलियां देखी होगी। चितरंगी तितली रुई के पत्तों पर अंडे देती है, अंडों से सुंडियां निकलती है, जिसे हम लार्वा भी कहते हैं। नशोनुमा मुकम्मल होने के बाद में सुंडी खोल के मरहले में दाखिल हो जाती है ना। हमने आपको बताया कि लार्वा जो है अपने ऊपर चार मर्तबा कैचली यानी कि कवर अपने आप को करता है, एक गिलाफ चढ़ा लेता है, और वो चार मर्तबा ऐसा करता है, पहला गिलाफ निकालता है, दूसरा चढ़ाता है, दूसरा निकालता है, तीसरा, और तीसरा निकाल के चौथा। और जब वो चौथा निकालता है तब वो अपने आप को प्यूपा में यानी के रेशम के धागे कवर में बंद कर लेता है, ठीक है। उसके बाद हमने आप बताया कि जिस तरह अंडे, लार्वा और प्यूपा में तितली के लार्वे की नशोनुमा होती है, और आखिर में जो तितली बाहर निकलती है वो छह लंबे पैर और चार खूबसूरत परों वाली होती है। तो उम्मीद है बच्चों आपको हमारा आज का सबक बहुत अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। तो बच्चों हमारे होमवर्क की, आपका होमवर्क ये है कि आपके दर्सी किताब में, टेक्स्ट बुक में जो भी आपको मश्की सवालात, क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं, आप वो खुद से लिखोगे, पढ़कर लिखोगे, ठीक है। चलिए इंशाल्लाह मिलते हैं हमारे अगले सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज, शुक्रिया। स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चंद अहम क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिसे आपको सॉल्व करना है, जिसके आपको आंसर्स देने हैं, और एक फीडबैक फॉर्म की लिंक आपको दी गई है, जिसे आपको फिल करना है, ताकि ये वीडियो आपको कैसा लगा इसका फीडबैक हम जान सके। तो प्लीज काइंडली फिल दैट फीडबैक फॉर्म लिंक। बच्चों आज हमने जो कुछ भी सीखा है आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो इंशाल्लाह हम अगली बार एक नए सब लेसन के साथ मिलेंगे। आपको जो होमवर्क दिया गया है आप उसे अच्छी तरह कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।